हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10th ऑफ नवंबर यानी कि कल जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब आज लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन है। आज किस तरह से आप प्रिपरेशन करें और कल जब एग्जाम होगा वहां पर कैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, साथ में क्या लेकर जाएं क्या नहीं लेकर जाएं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब कुछ मैं टिप्स दूंगा, अगर आप उनको समझकर उनको फॉलो करेंगे ना तो आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात है अवॉइड न्यू टॉपिक्स। मतलब अब कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करना। कोई भी नई चीज जो आप लर्न करने की कोशिश करेंगे ना तो वो प्रॉपरली रिटेन नहीं कर पाएगी। वही रिवाइज करने की कोशिश करें जो अब तक आपने सही तरीके से पढ़ लिया है। दूसरा, प्रिपरेशन के बाद प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए मॉक टेस्ट लीजिए। आपके लिए मैं एक ऐप बताता हूँ, ओलाइव बोर्ड। वैसे मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि मैं किसी ऐप की यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा, बस जब मैंने देखा कि इस ऐप से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है तो मैंने ये आपको बताना चाहा। देखिए, मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें ना तो ये आपको इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। एनालिसिस की फॉर्म में आपको फीडबैक ये प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी हेल्प करेगा स्पीड और एक्यूरेसी को मेजर करने में, आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को भी आइडेंटिफाई करने में ये आपकी हेल्प करेगा। सो जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। अब नंबर 3 पे मैं आपको बताऊंगा रिविजन। देखिए, एग्जाम को लाइटली मत लीजिए और लास्ट मिनट पर इस सबको मत छोड़िए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो उनको हाईलाइट करें। नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगा मेक अ सेपरेट नोट। एक सेपरेट पेपर पर फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक्स हो वो लिख लीजिए सो दैट यू कैन क्विकली गो थ्रू इट बिफोर द एग्जाम। नंबर 5 पे मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइम एक क्रूशियल फैक्टर होता है और ट्रैक लूज होना ये एक आम बात है व्हाइल राइटिंग इन द एग्जाम। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपकी प्रैक्टिस आपका रिजल्ट दिखाएगी, सो मैनेज इट प्रॉपरली। नंबर 6 पे स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखो, स्पीड और एक्यूरेसी ही है जो आपकी परफॉर्मेंस को आउटशाइन करेगी। अब ट्राई कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट ताकि कट ऑफ्स क्लियर करने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। नंबर 7 पे रीड द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। सबसे पहले समझें कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड किया ना तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन स्किप करने से पहले एक बार उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन को देखने में तो मुश्किल लगते हैं बट दे आर एक्चुअली इजी टू सॉल्व। सो ट्राई कीजिए कि जितना भी हो सके जो क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हैं उसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। नंबर 8 पे स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। देखिए, नेगेटिव थॉट्स से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करें। अपने आप को रिमाइंड कराते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो अचीव हम नहीं कर सकते एंड योर हार्ड वर्क विल बियर द फ्रूट्स। नंबर 9 पे रिलैक्स एंड रेस्ट। रेस्ट बहुत जरूरी है। देखिए, प्रॉपर स्लीप जो है ना वो भी आपकी कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करती है। अब नंबर 10, इट्स लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम चेकलिस्ट। अपना कॉल लेटर, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, बॉल पेन अपने पास रख लें आज ही ताकि जल्दबाजी में आप बहुत कुछ भूल ना जाएं। ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।